Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. Thank you, everybody present here. Okay, I'm testing a technique that I found after 15, 16 years. Okay. And I realized, हिंदी में बोलूं चलेगा? तो मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि इन द रैट रेस टू लर्न टेक्निक आफ्टर टेक्निक एवरी आवर एवरी 15 मिनट्स वी डोंट स्पेंड टाइम ऑन ए टेक्निक एंड टेस्ट इट आउट. लास्ट 2 दिन से आई हैव टेस्टेड इट ऑन 4 charts एंड The results have been encouraging, and मेरा एक realization हुआ है कि ये technique काफी hidden है, इस पे work करना है till it becomes a proper technique करके. तो आज मैं why I'm grateful to you all is मैं आप लोग guinea pigs करके COVID vaccine का नया booster dose आप पे करूँगा without telling you the name of the vaccine, okay? Because ये काफी complicated technique है. जब मास्टरी होगा तो इजी हो जाता है कोई भी टेक्निक. ओके, इसमें धातु मूल जीव, ओके, नौमांश यूज होता है. क्या सबको धातु मूल जीव नौमांश पता है क्या है? एक राशि के नौ नौमांश पेन पेपर हो तो लिख लीजिए. ओके, मैंने टेबल बनाया नहीं है. ओके, ऑड राशि इवन राशि पहला भाग है. ऑड राशि जो है, ओके, कौन सा होता है? मेष, मिथुन, लियो, लिब्रा, सो ऑन, 1, 3, 5, 7, 9, सो ऑन, ऑड वाले नंबर्स. इवन के आ गया ये पीछे के बैकग्राउंड, प्लीज यार बंद कर दो यार, ऐसे मेरा कंसंट्रेशन सोया नहीं हूं मैं 4-5 दिन से. तो इवन क्या होता है? 2, 4, 6 एंड सो ऑन. दैट मींस वृषभ, कर्क, कन्या, स्कॉर्पियो, मकर, मीन. लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? एक राशि में 9 नौमांशी. ओके, अब ये लिख लीजिए DMJ, ऐसा याद रख. डी फॉर धातु, एम फॉर मूल, जे फॉर जीवा. धातु में क्या आ गया? मिनरल्स आ गया, जेमस्टोन्स आ गया. ओके, जो धातु होते हैं, मेटल्स आ गया. तो इसमें प्रेडिक्शन में कैसे यूज करें? अगर एक प्लैनेट, अरे यार सॉरी, मेटल आ गया, तो अगर 6th लॉर्ड धातु नौमांश में है, आप समझ रहे हो? 6th लॉर्ड धातु नौमांश में है एंड मंगल के साथ है, या गुलिका के साथ. गुलिका के साथ है तो सेपरेट एक अलग प्रेडिक्शन होता है. मंगल के साथ है तो कट हो गया. ओके, धातु हो गया तो मेटल हो गया, या जेमस्टोन हो गया, या मिनरल हो गया, रफ मिनरल रॉक. आप समझ रहे हो बात को? तो आपने प्रेडिक्शन किया कि आपको 15 दिन के पहले, विद इन 15-20 डेज, लास्ट 15-20 डेज में कुछ कट हुआ रहेगा और वो मेटल से होगा. आप समझ रहे हो बात को? इजी एज एवरीबडी अंडरस्टूड. एनी डाउट्स? अमितेश, सो गुड टू सी यू. थैंक यू सर. आई जस्ट वॉन्टेड, यू टॉक्ट अबाउट ऑड एंड इवन साइंस,
तो आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एट द मोमेंट धातु मूल एंड जीवा सिग्निफिकेशंस ऑफ साइन. इफ यू कैन सिंपली मेंशन दैट इट विल बी इजियर. वही तो मेंशन कर रहा हूं मैं सिग्निफिकेशन अभी, सिग्निफिकेशन यू हैव मेंशन्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द और साइन. आइडेंटिफिकेशन पे आऊंगा मैं. ओके, बिकॉज स्टिल अपने पीपल आर सीजन पे जाएंगे. ज्वाइनिंग इट, स्टिल पीपल यस आर ज्वाइनिंग. ओके, तो वो 125 वाला बैकग्राउंड नॉइज, रुचि जो दत्ता बैकग्राउंड नॉइज, माय फ्रेंड रुचि दत्ता, एवरीबॉडी इज म्यूटेड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, वो मैं ऑर्डर पे आ जाऊंगा, वो याद रखना पड़ता है, मुझे भी समय लगा याद. और आइडिया मैं इज क्लियर. पर्पसली विदाउट टेबल बोल रहा हूँ, सो दैट मेरे इसमें याद रहे, ताकि आप लोगों को भी याद रहे. ओके, चलो पेन पेपर लियो, ऑड साइन इवन साइन, राशि में नीचे डायग्राम डालो, लेफ्ट में ऑड डालो, राइट में इवन डालो. ठीक है, ऑड में DMJ, धातु मूल जीवा, ये होगा सिग्निफिकेशन. ये हो गया आपका राशि. इसके नीचे आया ऑड, इधर आया इवन. ठीक है एवरीवन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. DMJ, डी इज फॉर धातु, एम इज फॉर मूल, जे इज फॉर जीवा. यस एवरीबॉडी, कोई तो हाँ ना बोलो, समझ रहे सबको? यस सर, यस यस सर, सर, यस अंडरस्टूड सर, सर. यस सर. 1 4 7, 1 4 7, दैट मीन्स द फर्स्ट नौ मांच, फोर्थ नौ मांच इन एन ऑड साइन, सेवेंथ नौ मांच इन एन ऑड साइन आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ धातु. इजी. यस सर, यस सर. मूल, वन के बाद क्या आएगा? टू टू. एंड फाइव फोर के बाद क्या आएगा? एंड देन एट. एंड देन एट. ये मूल हो गया. मूल में क्या आया? धातु में हमने बोला मेटल आया, मिनरल्स आया. ओके, रफ रॉक्स आ गए मिनरल्स के. मूल में क्या आया? वेजिटेबल आया, प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. प्लांट्स वेजिटेबल्स आ गए, लैंड भी आ गया, क्योंकि लैंड उससे उगता है. आप समझ रहे? अब क्या हो गया? 12th लॉर्ड इन द सेकेंड नवमांश ऑफ एन ऑड साइन, और इन द 8th नवमांश ऑफ एन ऑड साइन. तो आपने बोला लेग्स आ गया, 12th लॉर्ड है, कुछ गड़बड़ होगा, लेग्स को मारो गोली, कुछ गड़बड़ होगा. फिर आपने बोला लास्ट 15 20 दिन में क्या आपका, आपको कोई थॉर्न लगा था पैरों में? आप समझ रहे हो प्रेडिक्शन? मैंने तो आपको लॉजिक दे दिया अभी, अब विदाउट लॉजिक मैं आपको दूं? ओके, एक वीडियो 3 4 दिन में मैं निकालूंगा, लाइव प्रेडिक्शन किया है. ओके, एक क्लाइंट है लक्ष्मणा करके, उससे हमने लाइव प्रिडिक्शन किया, उसने बाय गॉड्स दिस थिंग, उसने बोल दिया आप ये यूज कर दो. उसमें सिर्फ प्रिडिक्शन है, लॉजिक नहीं, बट मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कैसे यूज करना है मूल को. मूल इज, अभी याद कैसे करना है? ऑड साइन में DMJ होगा. जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस.
सॉरी, इवन साइन में रिवर्स होगा ऑर्डर। जीव पहले आएगा, फिर मूल आएगा, फिर धातु आएगा। समझे आप लोग? यस सर, अंडरस्टूड। थ्री सिक्स नाइन। जीव, जीव मीन्स ह्यूमन इज इन्वॉल्व और एन एनिमल इज इन्वॉल्व, जिसमें जीव है। आप बात को समझ रहे हो एवरीबॉडी? यस सर। जस्ट गिव मी वन सेकेंड गाइस। सेम इधर 147 होगा। तो अभी देखो रिवर्स हो रहा है यहाँ पे। ऑड साइन में जीव इज 369 नवमांश, इवन साइन में जीव इज 147। ये 147 सेम रहा, नवमांश इज द सेम, खाली तत्व इसका बदल चुका है। आप समझ रहे हो एवरीबडी विथ मी वीरेन? यस सर, अंडरस्टूड। धाराशाह इज वेरी क्वाइट टुडे। गॉट इट? ये टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो मले, मैं इसको बंद कर रहा हूं अभी। बंद कर दूं मैं? यस सर। यस सर। ठीक है, कैमरा ऑन प्लीज। यह हमारा बेस है, लेकिन आज हम लोग नवमांश यूज नहीं करेंगे। लेट्स मेक इट इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, तभी तो मजा आता है ना। You go on a fight with a nuclear weapon, then it's a one-sided fight. If somebody has AK-47, okay, you carry a pistol, still it is a one-sided fight. But when you go on a fight, somebody has a knife or a pistol, and you go on a fight with your bare hands, making it impossible to win, तो आप किस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे? आप अपने बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, बेसिक फाइटिंग स्किल्स। तो जब हम टेस्ट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द फुल टेक्निक, बेसिक्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो हमारा बेस और स्ट्रांग होते जाएगा। अब ये टेक्निक में दम है कि नहीं नहीं है, आई एम एज आई सेड द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर, ओके, इसको मैंने परफेक्ट किया ही नहीं है, मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ। ओके, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर कमिंग फॉरवर्ड। ओके, सो अरुण जी, आपने मेरे को नंबर नहीं भेजा वो हरिद्वार वाले का। सर मैं आज ही भेजूंगा, भूल गया था सर, मैं सिक हो गया था 3-4 दिन से बहुत ज्यादा। हाँ जी सर, ठीक है। एवरीबॉडी प्लीज कैनवास ऑन। तो नाउ आई वांट समबडी टू कम फॉरवर्ड जिसको लास्ट 20 दिन का सब कुछ याद है। एंड ये टेक्निक क्या है? ट्रिवियल टेक्निक भी है, आप समझ रहे हो? इट्स अ वेरी ट्रिवियल टेक्निक, मतलब कि छोटा सा छोटा चीज। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह बच्चे ने उल्टा जवाब दिया, ओके, ये बहुत छोटा टेक्निक है। बच्चा तो आजकल के बच्चे लोग तो हर 15 मिनट में उल्टा जवाब देते हैं, वो अलग बात है, ओके,
बट इट इज एन इवेंट फॉर ज्योतिषीज एवरी इवेंट इज एन इवेंट व्हेन यू आर वेरी यंग इन एस्ट्रोलॉजी ओके तो प्रॉब्लम होता है. मैं रिसेंटली पेंडिंग कर्मा किसी का कर रहा था तो पहला उसका बीटीआर करना था ओके तो बीटीआर करते वक्त मैंने बोला सेंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स. उसने 6-7 इवेंट लिखा ओके उसमें ग्रैंडफादर्स डेथ इसका डेथ उसका डेथ का डेट बेट डाला और लास्ट में लिखा नो सिग्निफिकेंट इवेंट इन माय लाइफ. मैं थोड़ा परेशान हो गया यार. बट दैट इज अ परसेप्शन परसेप्शन कि उसके लिए ये तो नॉर्मल है सबके लिए नॉर्मल है कोई आज पैदा हुआ तो मरेगा ओके लेकिन हमारे लिए वो बीटीआर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ओके. Somebody has joined Nitesh as Samsung. जिसने भी Samsung करके join किया है कृपा करके वो अपना नाम चेंज कर दे ओरिजिनल नाम पे आ जाइए प्लीज. So let us have sir I remember if you are okay then I can come. Sorry क्या बोला वीरेन sir. I am saying that you are asking if anybody remembers. I remember for last 20 days pakka chota yeah, se yeah. chota yes sir pakka theek hai we'll have aur kon hai volunteer to arti sharma sir tami ruchi datta very good. mere ko to bahut dar lagta hai tum logo se tum log sab na bhadas nikalte ho do hafta lecture le liya do hafta lecture le liya to tum log hai na office mein phone karke complain kar bilkul nahi sir bilkul bhi nahi. हम तो आपका मैसेज ईमेल देख के दौड़ के आए हैं. चलो वी स्टार्ट विद वीरेन. बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा ऑफ कर दीजिए सब लोग ओके एक्सेप्ट सेक्स बाकी सब सच बोलना के सोच समझ के बोलना. श्योर सर ओके सर. नॉर्थ इंडियन चार्ट चलेगा ना सबको. यस सर आई ओनली अंडरस्टैंड दैट. माता जी पिताजी सब जिंदा है ना ऐसा कुछ तो ये नहीं. सर माय फादर इज नो मोर मदर इज देयर. सन का हो रहा दैट्स द फर्स्ट थिंग आई सॉ. इधर देखिए इसके लिए मैंने बोला पूछ लू पहले बाद में लफड़ा नहीं होगा. इन प्रश्न द होरा इज वेरी इंपॉर्टेंट. सन होरा एंड सन इज विथ एथ लॉर्ड. आप लोग समझ रहे? यस सर. सन इटसेल्फ इज द एथ लॉर्ड सर. सॉरी सन इज विथ सिक्स्थ लॉर्ड. इन प्रश्न मार्ग सष्टेश एसोसिएशन विथ बाधक घर और बाधकेश इज नॉट गुड. फ्री में ये एडवाइस ले लीजिए. सष्टेश सबसे इंपॉर्टेंट है. गुस्सा देखने का कौन सा देवता गुस्सा कर रहा है आपके ऊपर. कौन सा ग्रह खुश नहीं है वो ग्रह का कारकत्व पकड़ो ओके. एंड द कारकत्व इज सन सूर्य फादर. इट इज विथ षष्टेश ओके. सो इट इज षष्टेश यूजली शोज अकाल मृत्यु और पेनफुल मृत्यु और अनटाइमली डेथ ओके. All those kind of indications are there and it is aspected. Whenever any grah has aspect of two malefics, so it shows pida or curse, whatever way you want to take it. Pida, the grah is communicating. The grah is communicating, I am not happy. Okay, it's a golden rule to find out curses.
मोटा मोटा ब्रॉडली आप बताए, फीडबैक दीजिए. No, no, very true, sir. In fact, my father, he passed away quite suddenly due to heart attack. In fact, ऐसा हो गया, morning 7 o'clock he was fine. 7:20 को heart attack आया, 7:30 he was gone. So, what you said is very correct. It can be categorized as akal mrityu. Now, you must have done all the rituals. Okay. But the problem with Indians is we forget rituals karne ke baad whether God has accepted the ritual or not. Let's assume aap ek ritual kar rahe ho subah 9 baje aur aap jiske liye wo ritual kar rahe ho wo spirit world mein busy hai, vartalap kar rahe kisi se. तो वो आपका सुनता नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, उसको पता नहीं चल रहा कि नीचे मेरे लिए ये हो रहा है. इसके लिए हम बुलाते हैं. अब माँ तो बच्चे को बुलाते ही रहती है, इधर आ इधर आ इधर आ, आता ही नहीं है, वो रूम में वीडियो गेम खेलते रहता. सो व्हेनेवर, राइट दिस डाउन एवरीबॉडी, व्हेनेवर वी डू ए रिचुअल, this is not followed all over India except in Kerala. Whenever you do a puja, you have to do prashna. Yaad sham ko main bolne wala. Has the puja been accepted or not? Ye sham ko main is pe bahut bahut bolne wala. Are bahut simple hai na, aapke ghar pe aadmi aaya, guest aaya, आपने खाना खिलाया, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ ही लेते हैं ना, खाना पसंद आया कि नहीं आया. आर यू गेटिंग इट? स्मार्ट औरत रहेगा तो, मुझे तो इतना खाना बनाने नहीं आते, पता नहीं आपको पसंद आया कि नहीं आया, इनडायरेक्टली पूछ लेता है. करेक्ट? देखो ऑल लेडीज इधर हा कर रहे हैं, इट्स ऑल रास्कल्स. ठीक है, तो यू हैव टू आस्क इन प्रश्न, has your relative accepted your offerings? As, और आप अगर देवता के लिए कर रहे हैं, has God accepted your offering? ये concept आप लोग ने सुना था पहले कि नहीं सुना था? At least इसका importance मालूम है, नहीं वो अलग बात है, at least सुना था कि नहीं सुना था? थोड़ा सुना था सर. In prashna there are separate rules for this, and unfortunately मुझे खाली तीन rule पता है. कितने रूल्स है जो किताबों में मेंशन, वो तो अलग नॉलेज. आर यू गेटिंग इट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग हजारों रुपया खर्चा, भाई कभी भी मैं देखता हूँ कुंडली, ओके मैं कुंडली देखता हूं, मैं बोलता हूँ यार ये तो पूजा आपको करना चाहिए. नहीं किया था मैंने, सर्पदोष का पूजा किया था 15 साल पहले. अरे सर्पदोष का पूजा किया तो अभी शादी क्यों बर्बाद है? That means the puja has not been accepted, na? So what does this prashna show? This prashna shows as of now, 22nd November, 12:27 p.m. Viren's father is not happy. Are you understanding? Yes, sir. Understood. तो इनको क्या करना चाहिए? इनको पूजा करना चाहिए वापस से एक अच्छे मुहूर्त पे, अच्छे पंडित, वो पंडित जिसका जुपिटर उसके फिफ्थ हाउस में देख रहा है. ओके. अब वैसा पंडित मिलना मुश्किल है. हम लोग जब शादी करते हैं हम लड़की का तो कुंडली मांग लेते हैं, लेकिन जो पंडित शादी करवा रहा है उसका तो हम मांगते नहीं है, और मांगेंगे तो कोई शादी करेगा नहीं पंडित. सर इंसिडेंटली इन माय हॉरोस्कोप जुपिटर इज एस्पेक्टिंग फिफ्थ हाउस. वेरी गुड. मतलब पंडित हॉरोस्कोप ऑल्सो शुड एस्पेक्ट ना. Yes, करता वो है ना, खाना पकाने वाला को अगर कोविड है या फ्लू है या कंटेजियस डिसीज है, आप कितने भी हेल्दी हो वो खाने में तो आएगा. हाँ, देन यू कैन फाइट
लेकिन क्या आपके आपका जुपिटर फिफ्थ को देख रहा है, तो सामने वाले का कुंडली खराब भी हो अगर आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा कॉम्पनसेट तो कर ही लेगा, ठीक है? श्योर सर, आई विल चेक दैट, थैंक यू। ये जरा करवा दीजिए। आई ऑलवेज फील सैड जब सोल्स आर नॉट पास्ड ऑन, बिकॉज इन माय फैमिली दैट हैज बीन अ ट्रेडिशन। क्योंकि हमारे यहाँ पे लकीली वी यूज्ड टू हैव सीयर्स हु यूज्ड टू टेल कि ये ऐसा नहीं हुआ, देन वी यूज्ड टू गेट इंसिडेंट्स जिससे हमें पता चलता था सोल इज नॉट पास्ड ऑन प्रॉपरली। तो ये कर देना। ट्रू ट्रू सर, आई विल गेट इट डन। चलो अभी आप अपने आंख बंद करें और 0 to 13 के बीच में जो नंबर आता है, फेवरेट नंबर नहीं, जो नंबर फ्लैश होता है, शांति में 2 सेकंड बाद ब्रीदिंग नॉर्मल करके आप मुझे बताएं। दैट मींस 1 to 12 और 0 to 13 के बीच में। सर 12 आया। श्योर? यस सर। और कोई नंबर उससे पहले या बाद में आया? नहीं सर, as soon as you started saying, immediately 12 आया। शादी हो गया आपका? यस सर। हाँ यस सर, आई एम मैरिड। लास्ट 15-20 दिन में कुछ इंटेंस बातें हुई है इन द फैमिली और विद मदर और विद स्पाउस। देयर हैज टू बी समथिंग इंटेंस एंड इट कुड बी अबाउट फैमिली मैटर और मनी। वेरी ट्रू सर। मैं नोट्स बनाते जाता हूँ, मैं तो बाद में नोट्स होगा। थोड़ा स्टोरी बोरी बोलो, मजा आएगा, तब तक मैं नोट्स टाइप करता हूँ। क्या बात है? ओके ओके सर। सर एक्चुअली आई एम आल्सो डूइंग अ जॉब, यू नो, अलोंग विद माय एस्ट्रोलॉजी वर्क, एंड रिसेंटली आई वाज टोल्ड इन द वर्कप्लेस टू लीव बिकॉज ऑफ ले ऑफ। सो बिकॉज ऑफ दिस रिसेंटली आई वाज आस्क्ड टू लीव माय जॉब, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन द फैमिली हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस। And unfortunately, sir, most of our relatives and friends have, you know, refused to help or give any reference where maybe I could try for a job. So that was one area where we were having a lot of tension and just trying to plan our savings and other things. Sorry to hear that. ये बात आपकी किससे हुई? माता जी से, वाइफ से कि दोनों से? दोनों से सर। कभी हुई? सर इट हैज बीन गोइंग ऑन, बट लास्ट 15 डेज इट हैज स्टार्टेड एंड लास्ट वन इट इज ऑलमोस्ट डेली सर, यू कैन से। ठीक है। सेकंड प्रेडिक्शन तो आपने बोल ही दिया। ओके, जॉब का केतु है 10वें घर में। बच्चे हैं आपके? Yes, sir. I have 2 kids. क्या उम्र है? Sir, older child is going to be 6 years old next month, and younger child is only 4 months old. Last 15-20 days, उनको लेके कुछ चिंता हुई है? Yes, sir. Actually, my older child is, you know, having some discipline issues. So having some discipline issues. So my wife keeps shouting at her.
अच्छा, अभी ये सिस्टम से भी आपका पिताजी का वो मेडिकल नेगेटिव डबल निकला। चेक हो रहा है? हाँ, वो डबल चेक हो रहा है, वो करेक्ट है। श्योर श्योर सर। सर एंड वन मोर नोटेबल इवेंट हैपेंड, इफ यू वांट आई विल शेयर दैट एज नहीं वेल। नहीं नहीं अरे मेरे को तो कुछ मेहनत करने दो यार, ओके ओके सर, ओके आई डोंट माइंड फेलिंग यार। ओके सर। मुझे ये बताइए, आपके नौकरी में आप जो भी करते थे, ओके, उसमें मुझे उसमें लड़कियां हैं और जॉब प्लेस में यस सर, ऑल लेडीज। उसमें, यार वापस से सब बोल रहे हैं। ओ सॉरी सॉरी सर, आई विल स्पीक लेस। मैं जब भी बोलूंगा ना स्टोरी बोलो तो दिल खोल के बोल देना। ओके ओके, आई विल जस्ट आंसर यस एंड नो टेल यू एज टू एलैबोरेट सर, आई थिंक दैट इज बेटर। अभी उसमें जो लड़कियां है उसमें से थोड़े लड़की या एक लड़की जो बोलना है बोलो, वो थोड़ा जेलस कमीना टाइप का है एंड विंडिक्टिव है, विंडिक्टिव, ओके। तो शायद उसका इन्वॉल्वमेंट हो या आपके जॉब लॉस में कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो थोड़ा गड़बड़ करता है, या अगर आपको पता है कि नहीं, बिहाइंड योर ओके बैक, ओके, वो गड़बड़ करना चाहिए और वो बॉस के साथ जाके भी मिल रहा है, ऐसा है। क्या ये सच है? सर, एक्चुअली लेडी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इज माय बॉस। कभी बॉस लेडी नहीं रखने का, पति का गुस्सा निकालते हैं लोग, पति का रोज पति लफड़ा करेगा उन लोग गुस्सा निकालते हैं। लेडी बॉस कभी भी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे दो चार रिलेटिव है लेडी बॉस है उनके, ओके, मुझे तो दया आता है, 3 साल से दया आता है बिचारे पर, लेडी बॉस है। क्या बोलूं मैं, ओके। फिर मैंने एक ही चीज पूछा बाद में, 2 साल 3 साल बाद, उसका शादी कैसे चल रहा है? बोलो शादी बर्बाद है। तो इन लोग सब ना थोड़ा बहुत हो जाता है ना, फ्रस्ट्रेशन निकलता है यार, ओके। बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया तो फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालेगा? अभी आपका थोपड़ा थोड़ा बहुत बॉयफ्रेंड से मैच होता है तो लग गई आपकी, सॉरी मैं बंबईया लैंग्वेज में बात करता नो हूँ, नो नो, ओके। बट परफेक्टली ऑल राइट सर, क्या बिल्कुल आदमी लोग का किस्मत कलयुग में, इट इज ऑल रिवर्स, इन प्रीवियस टाइम्स मैन हैड ग्रेट फॉर्च्यून, वीमेन डिड नॉट हैव एनी फॉर्च्यून, क्योंकि लोग घर का काम करते थे। अभी उल्टा हो गया है इन कलयुग, ओके। बेनिफिक एग्जाल्टेड प्लैनेट्स डोंट गिव रिजल्ट्स, स्टेबिलिटेटेड प्लैनेट्स गिव रिजल्ट्स। सो नाउ इन कलयुग विमेन गिव रिजल्ट्स एंड मेंस फॉर्च्यून इज डिक्लाइनिंग एंड आई एम आल्सो हैप्पी, ओके। वी शुड हैव मोर इंदिरा गांधीज। एनीवे आपके पास क्या है, बाइक है, गाड़ी है, क्या है? गाड़ी है सर। मुझे ये बताइए, लास्ट 15-20 दिन में थोड़ा गाड़ी में तकलीफ आया हो या एक्सीडेंट होते होते बचा हो, ओके, या केतु इन्वॉल्व, तो थोड़ा बहुत आपने रॉन्ग टर्न्स लिया हो, सर अराउंड सिग्नल ब्रेक किया हो, सन इन्वॉल्व है, सिग्नल ब्रेक किया हो जाने यस सर, अनजाने, हाँ सर अराउंड 15 days बैक हुआ था। यस सर, क्या मतलब आई हुआ था? डोंट गेट अभी स्टोरी सर। बोल। ओके ओके, तो सर व्हाट हैपेंड इज टू थिंग्स। वन इज के वी एक्चुअली हैव टू कार्स इन द फैमिली, तो एक गाड़ी का बैटरी खराब हो गया था, तो वी हैड टू गेट द बैटरी रिचार्ज्ड। डन, एंड सर सेकंड थिंग वाज कि इट वाज लेट नाइट, आई वाज गोइंग समवेयर, देयर वाज लॉट ऑफ ट्रैफिक, तो सिग्नल ग्रीन था, बट देन व्हेन आई वाज अबाउट टू क्रॉस तो रेड हो गया, बट आई क्रॉस्ड ओवर, बट देयर वर नो कॉप्स, सो नोबडी कॉट मी। ठीक है, जैसा मैंने बोला जाने अनजान, ओके। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग द प्रश्न? लेडीज एंड जेंटलमैन, कैमरा ऑन करो यार। यस सर, एंड आई थिंक द बैटरी इज रिलेटेड टू द मार्स आल्सो, व्हिच इज सिटिंग विद सन, यस सर, बैटरी मास, के यस प्रॉब्लम। यस, बैटरी का प्रॉब्लम सर, मास, यस। अरुण अनदर थिंग अरुण सर, जी, हाँ जी, मैंने नोटिस किया कि आपका राहु केतु, यू आर प्रॉब्ली यूजिंग ट्रू मीन, ट्रू ट्रू नोड्स,
So if you use the mean node, then Rahu will have direct connection with Sun, Mars, Mercury as well. So that also increases the probability of... Honestly bolo, okay? परसों मैंने एक प्रश्न किया ओके मींस आई वाज टेस्टिंग दिस टेक्निक ओके तो प्रश्न किया तो मैंने बीबी को बोला ओके तेरे को लास्ट 15-20 दिन में पैरों का तकलीफ हुआ है ओके सो राहु वाज इन द फोर्थ हाउस रुको मैं आपको बताता हूँ सर इफ आई कैन मेक वन स्मॉल रिक्वेस्ट हाँ जी सर अभी आपने जो चार्ट बनाया था ना इफ यू कैन ओपन इट वंस मोर आई विल जस्ट क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट हाँ जी विल बी कमिंग बैक टू दैट प्रश्न डोंट वरी ओ ओके ओके श्योर सर थैंक यू बट ले लो ना स्क्रीनशॉट दिल का इच्छा रुकाने का नहीं ले लिया या जस्ट अ सेकंड सर सॉरी Subhash, I saw your chat message, okay, I'll come to it, okay. Abhi dekho, yahan pe Rahu 5th house mein hai. मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट आया अब आप देखो इसको मैंने मीन किया ओके अब राहु किधर गया देखो फोर्थ में मेरा प्रेडिक्शन के लिए राहु फोर्थ हाउस में होना चाहिए यस सर यस सर तो मैंने उसको बोला अभी मीन नोड्स है ओके मैं लेता हूं ट्रू नोड्स मेरा जो D60 का कोर्स मैंने 8 साल पहले किया था D60 Level 1 D60 Level 2 ओके रशियंस और इंटरनेशनल बैच दोनों कंबाइंड वहां पे मैंने क्लियर दिखाया है राहु केतु इन D60 चार चार घर एक साथ चेंज करते हैं ट्रू लिया तो पहले घर में है मीन लिया तो चौथे घर में ऐसा चार का शिफ्ट होता है ओके तो मैंने वहां पे दो कुंडली ऐसे दिखाए जहां पे मीन ही काम करता बाकी सब जगह पे ट्रू काम करता है और यहाँ पे देखो ट्रू नहीं काम कर रहा मीन काम कर रहा है मैंने उसको बोला बीवी को कि तेरा पैर दुख रहा था ओके ये कल का ही कुंडली है 21 का अब देख रहे हो 21 नवंबर ठीक है तो उसने बोला मैंने बोला 15-20 दिन के अंदर तेरा पैर दुखा था शीशा अरे लास्ट वीक तो दुखा था तो मैंने बोला कब दुखा था मैं बोला नॉर्मल दुखना नहीं कि सॉलिड दुखना तो शी सेड सॉलिड दुखा था तूने ही तो फिर Dolo 650 निकाल के दिया था मुझे तो मुझे वो याद ही नहीं बट राहु इन पाइसिस इन द फोर्थ हाउस वहां पे वो काम कर रहा है मीन काम कर रहा है ट्रू देखेगा तो फिफ्थ हाउस में तो टेक्निक अपना शिफ्ट एक्चुअली टेक्निक इनडायरेक्टली भी काम करेगा पॉइंट इज ऑनेस्टली स्पीकिंग राहु केतु मीन नोड्स लॉजिकली साइंटिफिकली इट हैज टू बी ट्रू नोड्स दैट्स अ साइंटिफिक थिंग आप बाकी सब प्लैनेट्स के लिए ट्रू पोजीशन ले रहे हो लेकिन यहाँ खाली राहु केतु के लिए मीन हमें यह समझते हैं पहले पंचांग वाले कैलकुलेट नहीं कर पाते अब लास्ट काफी डेकेड्स से दे आर एबल टू कैलकुलेट